पहला क्वेश्चन ये है कि कहते हैं कि सच्चाई में बहुत ताकत होती है, इस स्टेटमेंट को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? सच्चाई में वाकई कई ताकत होती है। अगर हम झूठ कहते हैं तो हम खुद काफी बर्डन कैरी करते हैं जो हमारे लिए काफी डिफिकल्ट हो सकता है, और सच्चाई से हमें आजादी मिलती है, इसीलिए सच्चाई में काफी ताकत है। बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा कि सच्चाई से हमें कॉन्फिडेंस भी मिलता है। तो आपके अनुसार एक वरिष्ठ के जीवन में सच्चाई या ट्रुथ कितनी अहमियत रखता है? हमारे वरिष्ठ जीवन के अब इस पड़ाव पर आ गए हैं कि उनके पास झूठ या मिथ्या कहने की कोई वजह बाकी नहीं रही। तो अगर वे सत्य की राह पर चलते हैं या सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, उनका जीवन काफी शांति से व्यतीत हो सकता है। तो इसके लिए उनके लिए सत्य काफी अच्छा माना जाता है, खासकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए। तो ऐसी वरिष्ठ नागरिक के जीवन में ऐसी कौन सी परिस्थितियां या फिर कारण हो सकते हैं जिनके लिए उन्हें सच्चाई से विमुख होना पड़ता है या फिर सच बोलने से वो रुक जाते हैं? हमारे सीनियर्स आधारित रहते हैं दूसरों पर काफी वजहों से। वो रिश्तों पर आधारित होते हैं प्यार के लिए, या आर्थिक रूप से भी आधारित होते हैं। तो जब उन्हें वो प्यार नहीं मिलता या उन्हें आर्थिक रूप से स्ट्रगल करना पड़ता है, ऐसी स्थितियां उन्हें झूठ बोलने पर मजबूर कर देती हैं या सत्य के रास्ते से विमुख होने पर मजबूर कर देती हैं। तो ये वरिष्ठ नागरिकों में ज्यादातर पाया जाता है। हाँ जी, ऐसे कुछ संकेत हो सकते हैं जो डिसऑनेस्टी की ओर जाते हैं? जब हमारे वरिष्ठ नागरिक कम बोलने लगे, वो अपने परिवार या दोस्तों से कम समय बिताने लगे क्योंकि उन्हें लगता है कि वो सच ना कह पाए उनसे, या वो बहुत ही दुखी रहने लगे या खोए खोए से रहने लगे, तो ये कुछ संकेत हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं या सच्चाई के रास्ते से भटक गए हैं।